हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो गाइज, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, काइट लवर फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप काइट्स देख रहे होंगे, सभी काइट्स रक्षाबंधन के लिए हैं। हालांकि सुबह बारिश आ रही थी, मैंने एक वीडियो भी डाली था बीच में, लेकिन बारिश आ रही थी यहाँ पर, इसलिए अभी शाम का टाइम हो चुका है। राउंड यहाँ पर 4:30 बज चुके हैं और आप पतंगे देख सकते हैं, अभी उड़ना स्टार्ट हुई हैं क्योंकि बारिश के बाद एकदम धूप भी तेज़ पड़ गई यहाँ पर। और ये देखिए, अभी हम यहाँ पर इन पतंगों को उड़ाएंगे और फिर बाद में बड़ी पतंगे उड़ाएंगे। तो बन रहे इस वीडियो के साथ, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पतंग में कन्ने डाल लेते हैं और फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अब हम उड़ा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पतंग, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हालांकि हमने इस पर ना टेप नहीं लगाई है ज़्यादा, और एक तो धूप पड़ रही है बिल्कुल सामने से हमारे फेस के ऊपर। तो पहले तो मैं अग्गे निकाल लेता हूँ, यहाँ पर धूप बहुत पड़ रही है भाई यहाँ पर। पहले तो हम नीचे नीचे से निकाल लेते पतंग को, फिर आप क्योंकि ऊपर करेंगे ना तभी पेंच लग जाएंगे, किसी ना किसी की डोर में फंस जाएगी हमारी। तो पहले तो नीचे नीचे से हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। वो भी तो ढीले चलने देते हैं। तो देखिए, नीचे नीचे से निकालना जरूरी है यहाँ पर, और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर पतंगे। तो गाइस, अब लग चुके हमारी पूरी तरह से हवा में पतंग यहाँ पर। धूप बहुत तेज पड़ रही है यहाँ पर हमारे। ऊपर एक पतंग कट के जा रही है, बस बात ये डोर ना फंस जाए इसकी, तो सबकी पतंग भी हो जाएगी यहाँ पर। मौका मिल जाए एक बार। हमने काट दी है पतंग एक खींच से, दोनों ही गई हो तो वाइट वाइट थोड़ी दूर है, अभी थोड़ी ना दिल जान दे सर। तो गाइस, एक ही खींच से गई यहाँ पर दोनों पतंगे। दिखी क्या नहीं दिखी? कटते टाइम नहीं दिखी। अरे चुचिया, सब डर हुआ है। ये तो गलत बात है, फिर फायदा क्या, पता ही नहीं लगने कौन से तो कटे क्या कटे।
ऊपर जाके ब्लर कर देता है, पता नहीं क्यों बार बार ब्लर कर रहा है। फिर देखते पड़ोस का पेच तो आगे जो पतंग है ना वो बड़ी नीचे है। देखिए बहुत नीचे है वो पतंग और बहुत आगे भी है। दूसरे ने तो हमारी लमका दी भाई पतंग। तो भाई एक है भाई पड़ोसी की खुद फंसा दी उसमें तो तेरी खुद फंस रही हो देख मैं तो डील दे रहा तो गाइस एक पता ही यहाँ पर फंसा दी है। ये देखिए किसी ने यहाँ तक खिचम खींच करने लग गया हो तो टंकी में फंस गया हमारी तो यहाँ पर। ये देखिए रोक ले पंखों भी यार। यहाँ पर थोड़ी ढीले चल दे फिर मारेंगे इसको खींच। कन्नों से लग गया भाई, कन्नों से लग चुका है हमारा पेंच यहाँ पर और उसके ना पेंच है उलझ गया डोर हमारी। निकाल लिया भाई पेंच। हुआ क्या था, डोर हमारी कन्नों में उलझ गई थी क्योंकि हमें लगा पहुंच गई डोर लेकिन हमारी पतंग बहुत पीछे थी सीधे इसके कन्नों से लगी। दोबारा देते हैं ढीले काफी अगे था पर फिर बनाएंगे खींच यहाँ पर और इस बार खींच लूंगा थोड़ा नीचे से यार ना कि पहले जब खींच लगा वो ऊपर से खींच आ जाता। फिर से जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ अब लिया नीचे से खींच। पहले जो खींच तो लिया था ऊपर से और जो ऊपर से खींच लेना सीधा ही हमारी डोर कन्नों के पास चली गई वहां पर काट दी आए नहीं के कैमरे में पर कैमरे में कैप्चर करनी तो गलत बात है। कैमरा मैन यहाँ शिकायत कर रहे हैं भाई इतनी दूर पतंग चली गई है। ओहो हमारे सर के ऊपर से एक पतंग चली गई पन्नी पतंग चली गई। तो तो गाइस जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पर अब पतंग का उड़ना हो चुका है स्टार्ट। उस पतंग से देखता हूँ जो ऊपर कभी उड़ रही है पतंग यहाँ पर कभी देखते हैं।
के ऊपर पतंग उठ गए यहाँ। ये देखिए आपको दिख रही होगी शायद व्हाइट कलर के ये पतंग यहाँ पर। देखिए मेरी फंस चुके रात्रि में डोर यहाँ पर निकालने पड़ेंगे भी मुझे निकालने पड़ेगी जरूरी जो गई भाई। काफ़ी पतंगे काटने के बाद आखिरकार हमारे फल कट चुके और कटने के कारण ये है जो हमारे कन्ने थे बिल्कुल करीब आ गए थे उस डोर के, दूसरे का राखड़ी में डोर फंस गई थी यहाँ पर, तो उसको इतना ज्यादा पतंग चली गई आगे। तो होप करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जुड़े रहिए, अभी तो शुरुआत है, लाइक करते चले।